ये है फोट्रॉन P10 ब्लूटूथ स्पीकर का कंप्लीट रिव्यू। इस रिव्यू में आपको बताऊंगा इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में, इसकी बैटरी लाइफ के बारे में, नंबर ऑफ मोड्स इसमें कितने आपको मिलते हैं, ब्लूटूथ रेंज इसकी कितनी है ये मैं आपको बताऊंगा, और बताऊंगा आपको इसकी कॉल क्वालिटी कैसी है और उसकी क्लैरिटी किस तरह से आपको मिल जाती है। मैंने एक सैम्पल कॉल भी किया अपने फ्रेंड को इस वीडियो में और उसके साथ प्रैंक किया है इंटरव्यू का, तो आप इसको जाके देख सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा इस प्रोडक्ट का, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये प्रोडक्ट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है। तो आइए दिखाते हैं आपको इस रिव्यू में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि बॉक्स के ऊपर यहाँ पर क्या क्या मेंशन किया गया है। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या फीचर्स यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ पर जो फीचर्स की लिस्ट है आप अपनी स्क्रीन देख सकते हैं, एलईडी लाइट, माइक्रो एसडी कार्ड, सीएनसी टेक्नोलॉजी, म्यूजिक प्लेइंग, हाई परफॉर्मेंस ड्राइवर्स, फोन मेट, वायरलेस स्पीकर, हैंड्स फ्री फोन, ऑस्क मोड एंड FM फंक्शन। दूसरी साइड देखिए तो यहाँ पर पावर 3 वॉट की बताई गई है, बैटरी 400 mAh की है और यहाँ पर स्पीकर का वेट 170 ग्राम बताया गया, और यहाँ पर जो MRP 1990 बताया गया बट आपको 600 से 700 रुपये के बीच में मिल जाता है। तो चलिए गाइस इसको ओपन करते हैं और इनबॉक्स कंटेंट्स क्या क्या हमको मिलते हैं ये आपको बताएंगे। तो इस तरह से हमको बॉक्स मिल जाता है और इसको ओपन करने के लिए हमको इस तरह से पुल करना पड़ेगा और इस तरह से ये ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले हमको मिल जाता है ब्लूटूथ स्पीकर, फिर अंदर देखेंगे तो हमको यूज़र गाइड मिल जाती है, स्पीकर को कैसे यूज़ करना है, कितने मोड्स इसमें हैं और कैसे इसको यूज़ करना, सारा प्रोसीजर इसमें बताया गया है अच्छे से। और ये इनवॉइस है, इधर के कंपार्टमेंट में आपको मिलता है USB केबल, और दोस्तों में बता दें ये मल्टीपर्पज़ है क्योंकि इसमें 3 पोर्ट दिए गए हैं, 3.5 जैक का है, एक USB पोर्ट है और एक माइक्रो USB पोर्ट है चार्जिंग के लिए। तो इस तरह से 3 आपको कनेक्टर्स मिल जाते हैं यहाँ पर। अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी आपको मिलती है, मेटल की केसिंग यहाँ पर मिल जाती है जिसमें कि मेटल ग्रुप्स कट किए गए हैं जो कि काफ़ी शाइन करते हैं और काफ़ी प्रीमियम लुक देते हैं इस प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर आपको 4 बटन्स मिल जाती हैं जिनका फंक्शन अलग अलग है, ये नेक्स्ट और वॉल्यूम अप का काम करती है, अगर आप इसको एक बार प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट सॉन्ग पे स्विच हो जाती है और एक इसको अगर होल्ड करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। जो बीच वाली बटन है ये कॉल रिसीविंग और पॉज करने का काम करती है, और इसके बाद प्रीवियस की बटन मिल जाती है, उसके बाद मोड की आपको बटन इस तरह से मिल जाती है। यहाँ पर आपको माइक्रो USB पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग के लिए और ये फ्लैश कार्ड का है, और यहाँ ऑन ऑफ की मिल जाती है इस तरह से। तो चलिए इसको पावर ऑन करते हैं और इसकी म्यूजिक क्वालिटी आपको सुनाते हैं, इसमें आपको वॉइस आउटपुट मिलता है। पावर ऑन ब्लूटूथ मोड। तो आपने सुना किस तरह से वॉइस आउटपुट यहाँ पर मिल जाता है, तो इससे काफी इजी हो जाता है इस ब्लूटूथ स्पीकर को यूज करना। तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं फोन से और इसकी ऑडियो क्वालिटी के बारे में जानते हैं कि किस तरह से आपको मिलती है। मैं इसको जियो फोन से कनेक्ट करने वाला हूँ जैसे कि आपको मालूम चल जाए कि आप एंड्रॉयड और iOS के साथ साथ एक फीचर फोन जिसमें ब्लूटूथ सपोर्ट करता है उसे भी इस डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फुल साउंड पे आप इसको सुन रहे हैं। बेस इसका अच्छा है, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते लेकिन अच्छा है। ट्रेबल में थोड़ा प्रॉब्लम है, ट्रेबल थोड़ी कम आती है इसमें, बेस ज़्यादा है ट्रेबल के कंपेयर में। और दोस्तों आपको बता दें कि जिस स्पीकर से आप ऑडियो समय सुन रहे हैं और जिस माइक से मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की है उनकी वॉइस क्वालिटी में काफ़ी डिफरेंस होता है, तो जो रियल वॉइस क्वालिटी वो हम तक नहीं पहुँचती है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों इस समय हम हैं रूम के अंदर और मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी दिखा देता हूं कि रूम के अंदर किस तरह से ये काम करती है। तो चलिए दिखाते हैं, ये साउंड फुल है इस समय। तो
दोस्तों बात कर लेते हैं मोड्स की। यहाँ पर आपको तीन मोड मिलते हैं, ब्लूटूथ और एफएम मोड एंड ऑक्स मोड। तो यहाँ पर मोड हम स्विच करते हैं, ऑक्स मोड। सो ये ऑक्स मोड है। अगर आप केबल के द्वारा आप अपने 3.5 जैक से ये म्यूजिक को प्ले करना चाहते हैं तो आप इस मोड का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर एफएम एफएम मोड यहाँ पर हो जाता है। तो एफएम को आपको रन कराने के लिए जो वायर है ये इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये एक एंटीने की तरह इसमें काम करता है, तो मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से आप चैनल चेंज कर सकते हैं इस बटन से। और दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर आपको एसडी कार्ड लगाने का भी स्लॉट दिया हुआ है, तो आप अगर एसडी कार्ड लगा के यहाँ पर म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं बैटरी लाइफ के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्लूटूथ स्पीकर के लिए। इसमें 400 mAh की आपको बैटरी मिलती है, जिसको कि मुझे चार्ज करने में 2 घंटे 20 मिनट का टाइम लगा। और म्यूजिक प्लेबैक टाइम की अगर बात करें तो 3 से 3.5 घंटे तक आपको इसमें म्यूजिक प्लेबैक मिलता है, जबकि पैक के ऊपर आपको 2.5 घंटे ही मेंशन किया गया है। लेकिन आप आराम से 3 से 3.5 घंटे तक फुल फुल वॉल्यूम में इसको रन करा सकते हैं। और आपको बता दें, अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो आप इसको चार्जिंग में लगा के भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चार्जिंग करते टाइम यहाँ पर ऑरेंज एलईडी ब्लिंक करती है, और जब ब्लूटूथ फुल चार्ज हो जाता है तो ये एलईडी बंद हो जाती है, शट डाउन हो जाती है। तो दोस्तों बात करते हैं कनेक्टिविटी की, और आपको बताते हैं कितनी ब्लूटूथ रेंज है इसकी। तो दोस्तों ब्लूटूथ रेंज यहाँ पर काफ़ी इम्प्रेसिव है, मुझे लगी लगभग 15 से 20 मीटर तक आपको ब्लूटूथ रेंज इसमें मिल जाती है। तो मैं इसका एक टेस्ट करने वाला हूँ आपके सामने। मैं एक सॉन्ग प्ले करूँगा और ये फ़ोन जो आप देख रहे हैं इसको मैं ले जाऊँगा अपने टेरेस पे, जो कि सेकेंड फ्लोर पे है। तो वहाँ जाके आप जो वॉइस का कनेक्शन है, अगर वो थोड़ा डिस्टॉर्ट होता है तो आप देख सकें किस तरह से कनेक्टिविटी इसकी मिलेगी आपको। वहां जाके मैं एक कॉल करने वाला हूं, तो आप समझ जाएंगे कि मैं वहां पर पहुंच चुका हूं और उस समय तक वॉइस की क्लैरिटी आपको क्या मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं यहां पर सॉन्ग स्टार्ट कर देता हूं, माइक यहीं पर लेता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ब्लूटूथ की रेंज यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, कोई भी डिस्टॉर्शन यहाँ पर नहीं आया है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, एंड्रॉयड फ़ोन से आपको रेंज ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू फीचर्ड फ़ोन या किसी और फ़ोन से। तो चलिए इसकी कॉल क्वालिटी चेक करते हैं। मैं अपने फ्रेंड को एक प्रैंक कॉल करने वाला हूँ और मैं उसे इंटरव्यू का ऑफर दूंगा, तो काफ़ी यहाँ पर मज़ा आने वाली है। तो चलो करते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहा है जी? हाँ जी, अमित दुबेदी बोल रहा हूँ। आप कौन जी? जी, naukri.com पे आपने अपना अकाउंट बनाया था, आपने सीवी डाली हुई है। जी जी तो सर मैं लखनऊ से यहाँ बोल रहा हूँ। जी जी सर। तो सर आप इंटरव्यू के लिए कब आ रहे हैं? तो कब है इंटरव्यू? कहाँ पे है मेरा? आपका इंटरव्यू यहाँ पर जो सीतापुर रोड देख रहे हैं आप? हाँ हाँ, तो वही हमारा ऑफिस है। हाँ तो आपको आना है ट्यूसडे को, आप आ सकते हैं। ट्यूजडे को सर, ट्यूजडे नहीं सर, वेंसडे को आ जाऊँ। वेंसडे को कहाँ आएंगे, ट्यूसडे आ जाइए ना आप, हम आपका वेट थोड़ी अच्छा करेंगे। ठीक है सर, ट्यूजडे को आ जाऊंगा। सर क्या एक्टिविटी है सर? आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लाना है मैं आपको बता देता हूँ। जी। अरे आप अपनी पहले तो सीवी लेते आइएगा, हार्ड कॉपी, जी जी 2 फोटो आईडी प्रूफ, जी और जो फाइनल ईयर का मार्कशीट है उसको लेते आना। जी जी ओके। लेकिन सर कौन सी कंपनी आप बता रहे हैं अपना? अच्छा प्रांजल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। तो और अपने दोस्त कोई क्या सिविल की रिक्वायरमेंट है सर? अपने दोस्त के प्रांजल को भी लेते आना साथ में।
आपका एक दोस्त है ना प्रांजल सिंह, उसको भी लेते हैं ना साथ में। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। ठीक, ओके सर। अबे पहचान नहीं पा रहे हो आवाज? अरे अच्छा भाई, कहाँ जल रही है, पहचान गए यार यार दोस्त। बड़ा और बताओ, इतना हिंट तुमको दे रहे हैं तब भी नहीं पहचान पा रहे हो। नहीं, असल में एक पता नहीं कौन सा नंबर आया, मैंने बताया तो यार एक ब्लूटूथ स्पीकर मैंने परचेज किया हुआ है, इसी से कॉल क्वालिटी में चेक कर रहा था, तो कैसी आ रही कॉल क्वालिटी, कैसी है आवाज, साफ आ रही थी? हाँ, आवाज सही आ रही है और अच्छी, ठीक है। मतलब कोई नॉइस तो नहीं आ रहा बीच में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वही रिव्यू बना रहा हूँ ना यूट्यूब पे, देखो जाएगा, मजा आएगी सुनना तुम भी। तो दोस्तों इस तरह मैंने आपको कई सारे फीचर्स बताए इस ब्लूटूथ स्पीकर के। अगर मुझे नंबर इसको देना हो तो मैं साउंड क्वालिटी में दूंगा इसको 7 आउट ऑफ 10, बैटरी लाइफ में इसको दूंगा 8 आउट ऑफ 10, और बिल्ड क्वालिटी में इसको दूंगा 9 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ओवरऑल एक काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, आपको 600 से 700 रुपये के बीच में मिल जाता है। अगर इसको परचेज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपको साउंड आउटपुट थोड़ा लाउड चाहिए तो आप दूसरे स्पीकर की तरफ जा सकते हैं, बट आप अगर छोटे रूम के लिए इसको परचेज करना चाहें तो ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।